तो नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी आईटीआई रिजल्ट 2020 जनवरी में होगा घोषित और तीन राज्यों का परिणाम जारी। इस वीडियो में बताने वाला हूँ एनसीईआरटी आईटीआई के द्वारा 9 जनवरी 2020 को सुबह सुबह एक बड़ी अपडेट, खुशखबरी यूपी असम अन्य राज्यों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि इन राज्यों का रिजल्ट है वो कब घोषित होगा। वैसे आपको पता होगा एमपी के बहुत सारे अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है जनवरी में ही, और बहुत सारे राज्यों के विद्यार्थियों के रिजल्ट आ रहे हैं, यानी रिजल्ट आ रहे हैं। और आपके मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं अभी वेबसाइट पर थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, अब किसी का तो अपलोड हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, और किसी का अपडेट हो रहा भी है नहीं भी हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी आईटीआई के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है, लेकिन आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समस्या दो दिन में सरल हो जाएगी। आपका रिजल्ट घोषित हुआ है, अब आप रिजल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आईटीआई जो रिजल्ट है, तीन राज्यों का परिणाम किन किन राज्यों का घोषित होने वाला है या किन राज्यों का कब घोषित होगा, ये भी इस वीडियो में अपडेट बताने वाला हूं, जो आईटीआई के द्वारा बड़ी सूचना जारी कर दी गई, इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी आईटीआई के द्वारा जो भी अपडेट सूचना आती है वो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आईटीआई के रिजल्ट के बारे में आज जो सुबह एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी निकलकर अपडेट हुई है। तो एक बात मैं आपको बोल दूं, एमपी के सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, आपको कोई डाउट नहीं रखना है। आप अपनी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका यहाँ पर आप रोल नंबर डाल के यहाँ पर आप एग्जाम सिस्टम सबमिशन जो सर्च करके आप रिजल्ट है वो अपलोड, मतलब जो है सबमिट पर क्लिक करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। बात रही यूपी के कुछ अभ्यर्थियों की, असम के अभ्यर्थी के जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो आप एनसीईआरटी आयोग ने ये एकदम सही तरीके से क्लियर कर दिया है, बात एकदम क्लियर कर दी गई है, वो छुपी हुई जो बात थी इतने दिनों से वो क्लियर कर दी कि 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, यानी 15 जनवरी तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। और बात रही एमपी के सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट एनसीईआरटी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, अभी जो एनसीईआरटी आयोग ने यह कहा है कि 15 जनवरी तक सभी रिजल्ट के जो है घोषित किया जाएगा, अब 2020 में 15 जनवरी 2020 में ही रिजल्ट अपलोड हो गए। आपको मुझे कमेंट करना है अपने पहले रोल नंबर, और मैं आपको एक रोल नंबर वाइज में कमेंट वाइज जो है आपके रोल नंबर से आप रिजल्ट एनसीईआरटी आईटीआई का घोषित करूंगा, मतलब रिजल्ट है वो सॉरी मैं आपको चेक करूंगा और आपको बता दूंगा आपका रिजल्ट कैसा रहा है। क्योंकि आप जो है बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट आ रहे थे कि सर रिजल्ट हाउ टू चेक रिजल्ट, आप रिजल्ट सर चेक नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी गलती कर रहे हैं। आप लगातार रिजल्ट को चेक करते रहिए, अपने रोल नंबर डालकर जरूर रिजल्ट जारी, मतलब जो रिजल्ट है आपका बताया गया, क्योंकि एमपी आयोग मतलब जो एनसीईआरटी आयोग के द्वारा क्लियर रूप से कहा गया कि रिजल्ट हमने जारी कर दिया है। तो बहुत सारे लड़कों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट नहीं बताया, तो वो कुछ वेबसाइट की समस्या हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी आयोग के द्वारा हो गए हैं घोषित। तो धन्यवाद जानकारी, चलिए वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक को प्रेस करना है, और मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है एड्स आपको संपूर्ण जरूर देखना है। आपके भी किसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन में डाउट है, तो डाउटनेट के व्हाट्सएप पर फोटो को खींच के क्रॉप करके आपको सेंड कर लेना है, तो आपको 10 सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। और आपके इसी ऐप के माध्यम से भी जो आप सोल्यूशन कर सकते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींचनी है क्रॉप करके आपको सबमिट पे क्लिक करके जो है आप इसके डाउटनेट के माध्यम से आपका आंसर है वो ढूंढ सकते हैं वीडियो सोल्यूशन के साथ। तो ये आपको डाउटनेट करना 8400400400 व्हाट्सएप नंबर पर जाना है जरूर।